मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरा नाम वैभव कुमार है। किसी विषय पे बात करने से पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं मीडिया के बारे में केवल एक मिनट में दो मिनट में बताना चाहूंगा। साथियों, आपकी समझ, आपकी सोच और जो भी चीजें आप ग्रहण करते हैं उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। जब एक बच्चा पढ़ाई करता है तो उसके माता पिता बोलते हैं बेटा रिवाइज कीजिए इसको, आप बार बार दोहराइए तो आपके जहन में बैठ जाएगा। मीडिया जो भी आपके जहन में बिठाना चाहती है वो चीज़ आपको बार बार दिखाई जाती है, बार बार आपके दिमाग में फीड किया जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं हमारी जो विचारधारा है उसको मीडिया पूरी तरह प्रभावित करती है, कंट्रोल करती है। ये बात आपको और हमको पता नहीं लग पाती। यदि हम रोज हम टीवी पे जो शाम को डिबेट देखते हैं उसमें किस तरह की चीजें डिस्कस होती हैं ये आपने देखा है। 1 तारीख को भीमा कोरेगांव में एक घटना हुई, आप सब लोगों को मालूम होगा, लेकिन आपको 1 तारीख की शाम तक टीवी मीडिया के जरिए तो कम से कम मालूम नहीं पड़ा था। बता दीजिए कौन सा टीवी चैनल था जो शाम को उस पर डिबेट कर रहा था। लेकिन जैसे ही 2 तारीख को पूरा बहुजन समाज एकजुट हो जाता है वो उसको खबर बनाते हैं। बहरहाल आज बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी का जन्मदिवस है, ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। जिस तरह उन्होंने शुरुआती संघर्षों से निकली, वो उनके पिताजी टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में कार्य करते थे साधारण परिवार से, उसके बाद उन्होंने पूरे बहुजन मूवमेंट को साहब काशीराम के बाद संवारा, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की वो 4 बार मुख्यमंत्री बनी, और जिस राज्य में किसी की ताकत नहीं थी कि वो पूर्ण बहुमत की सरकार बना सके वहां उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार 2007 में बनाई, उसको पूरी ताकत से चलाया गया। साथियों, निकाय चुनाव में आपने देखा सारी विषमताओं और सारी मीडिया के दुष्प्रचार के बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी ने 16 में से 2 मेयर जिता के आपकी सेवा में जमीन पर उतारे भेजे। आज अलीगढ़ और मेरठ में सुनीता वर्मा जी और अलीगढ़ में मोहम्मद फुरकान, 2 मेयर आपकी सेवा में बहुजन समाज पार्टी ने दिए, और आने वाले 2019 के लोकसभा में भी जमीनी तौर पर तैयारी चल रही है। बहन मायावती जी का दिल्ली से बहुत बड़ा संबंध है, आपको सभी लोगों को शायद ना मालूम हो, उनकी पढ़ाई दिल्ली में ही हुई, कालिंदी कॉलेज से उन्होंने अपना स्नातक किया, LLB करी, और दिल्ली के ही इंदरपुरी इलाके में, शायद आप में से ऐसा कोई भी ना हो जिसको ना मालूम हो, सब ये बात जानते हैं, इंदरपुरी इलाके में वहाँ वो टीचर थी। उसके बाद देश में जातिवाद की जड़ें इतनी गहरी हैं कि जो उपलब्धि विश्व में सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिनी जा सकती है, जो इंटरनेशनल मैगजीन है वो उनको लगातार वर्ल्ड के बेस्ट पॉलिटिशियंस में गिनती है, उनको बराक ओबामा ऑफ इंडिया भी कहा गया। लेकिन विडंबना की बात है और बहुत ही दुख की बात है कि देश का जो मनुवादी मीडिया है वो उनकी उपलब्धियों को नहीं गिनता, नहीं तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 4 बार मुख्यमंत्री बनना कोई बच्चों का खेल नहीं। साथियों, मैं 1984 में पहली बार कैराना से लोकसभा में गई, उसके बाद 1985 से, और 1994 में पहली बार राज्यसभा में पहुंची वो, और जब सहारनपुर के मामले में उनको बोलने नहीं दिया गया, आपने उसको देखा होगा, तो शायद ही कोई आपको ऐसा नेता मिले जो अपने राज्यसभा के पद को त्याग दे, पूरे समाज के लिए उन्होंने राज्यसभा पद को कुर्बान कर दिया। आज के समय में बहुत सी विचारधाराएं उत्पन्न हो रही हैं, बहुत से संगठन उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक ही गुजारिश करना चाहूंगा कि बाबा साहब के विचारधारा में, बाबा साहब के आंदोलन में और भगवान बुद्ध के दिखाए मार्ग में अतिवाद की कहीं जगह नहीं है, नफरत की कहीं जगह नहीं है, और सामाजिक समरसता के जरिए ही समतामूलक समाज की, जाति विहीन, उत्पीड़न विहीन, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की स्थापना की जा सकती है। जाहिर सी बात है जो युवा है वो आंदोलित हो जाता है जरा सी बात पे, मरने मारने की बात करता है। साहब काशीराम ने जो इतने बड़े योजनाकार थे, 1934 में उनका जन्म हुआ और 1964 में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, उसके बावजूद उन्होंने राजनीतिक आंदोलन के लिए जब मन बनाया तो उन्होंने कोई छोटा मोटा राज्य नहीं चुना, राज्य वो चुना जहाँ पे सामाजिक उत्पीड़न, सामाजिक विषमताएं, जातिवाद की जड़ें सबसे गहरी थी, जहाँ हमारा समाज सबसे ज्यादा पिछड़ा था, शिक्षा का अभाव था। लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश को इसलिए चुना क्योंकि उत्तर प्रदेश से यदि पूरी ताकत में बहुजन समाज साथ खड़ा होता है पार्टी के, तो 1-2 नहीं पूरे 80, पूरे 85 सांसद लोकसभा में जा सकते हैं, इसलिए साहब काशीराम ने उत्तर प्रदेश को चुना। तो आज बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जन्मदिवस पर मैं आप सभी लोगों से यही अपील करूंगा, विशेष तौर से युवाओं से, कि ये जाहिर सी बात है कि आपका खून खौलेगा किसी बात को सुन के, लेकिन मरने मारने की बात आप ना कीजिए, क्योंकि
आप शेर हैं और शेर का अर्थ ये नहीं होता कि आप गली मोहल्लों की लड़ाई में लग जाएं, सड़क पे प्रदर्शन कीजिए, धरना कीजिए, जाहिर सी बात है, लेकिन आप अपने क्षेत्र में अपने विधायक, अपने सांसद, अपने पार्षद जिताकर विधानसभाओं में भेजिए, लोकसभा में भेजिए, तभी वो आपकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आज युवा बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा किसी जाति विशेष के लिए भी नहीं है और किसी जाति विशेष के खिलाफ भी नहीं है। ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो आवाज उठती है वो किसी जाति विशेष के खिलाफ आवाज नहीं है, और बहुजन समाज पार्टी की जो कल्याणकारी योजनाएं होती हैं वो सर्व समाज के हित में होती हैं। आप यदि ये कहते हैं कि फलाना व्यक्ति पार्टी में है या फलाने लोग हैं, तो ये केवल आप नहीं बोल रहे, मीडिया द्वारा सिखाई गई जो बातें हैं उसका आप रिपीटिशन कर रहे हैं। आप कभी ठंडे दिमाग से बैठिएगा, सोचिएगा, जिस समाज के पास कुछ नहीं था उसको उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में चार बार की मुख्यमंत्री बनी और आपको सत्ता का स्वाद दिलाया कि सत्ता क्या होती है, उससे किस तरह आपकी समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं। तो बस यही मेरा आपको कहना था, और बाकी जितना हो सके आप मेन स्ट्रीम जो टीवी मीडिया है, साफ कहूंगा, उनको मत देखिए, वो कोई आपको न्यूज नहीं दिखा रही। मैं केवल अपनी बात नहीं करूंगा, हम जैसे और भी चैनल हैं, आप उन सब चैनल के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए खबर को आप देखिए, तभी आपको पता लगेगा कि गोरे गांव में क्या हुआ था, तभी आपको पता लगेगा कि वाकई में जमीनी सच्चाई क्या है, और कहीं ना कहीं आप अपना ब्रेन वॉश होने से बच सकेंगे। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद।